हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस क्लास में हम हेल्थ, फिजिकल एंड योगा एजुकेशन का टॉपिक करेंगे, फर्स्ट एड। फर्स्ट एड का मीनिंग एंड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड, तो ये हम आज इस लेक्चर में कवर करेंगे। देखिए, ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है बिकॉज 16 मार्क्स में और 4 मार्क्स में किसी ना किसी में तो आपसे पूछ लिया ही जाता है कि फर्स्ट एड क्या है, उसको डिस्क्राइब करो, या फर्स्ट एडर के बारे में कुछ बताओ, या फर्स्ट एड के जो रूल्स होते हैं वो बताओ। तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है, 4 मार्क्स में या 16 मार्क्स में आए, बट आता ही आता है। सो फर्स्ट एड है क्या? फर्स्ट एड, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, फर्स्ट मतलब पहला, एड मतलब कुछ दवाई गोली, मतलब कुछ सहायता देना, मतलब पहली सहायता बेसिकली जो किसी को भी दी जाए। अब किन किन कंडीशंस में दी जाए? जिसको जरूरत हो, मतलब जो हेल्थी ना हो बंदा, मतलब हेल्थ जिसकी ठीक ना हो, चाहे वो एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे उसको बुखार हो, या कोई बीमारी हो, कोई इंसिडेंट उसके साथ हो जाए, तो दैट इज जो उसको पहली सहायता दी जाए, दैट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड हम जनरली एकदम से जैसे ही सुनते हैं तो हमारे माइंड में एक आ जाता है कि किसी का एक्सीडेंट हुआ हो और उसको जो पहली चिकित्सा दी जाती है, दैट इज फर्स्ट एड, राइट? ज्यादातर दिमाग में हमारी यही एक चीज हमेशा आ जाती है। सो रीड करेंगे एक एक करके और मीनिंग को समझेंगे टू द पॉइंट, प्लस किस तरीके से आपको एग्जाम में अपने इस टॉपिक को लिखना है, अटेंड करना है, वो भी साथ में समझेंगे। सो फर्स्ट एड टू सिक एंड वंडेड हैज बीन प्रैक्टिस सिंस एंशियंट टाइम। मतलब फर्स्ट एड जो है वो किसी भी घायल पर्सन को या किसी भी बीमार पर्सन को बहुत पहले से, एंशियंट टाइम से, पुराने जमाने से ही दिया जाता है। बट एन ऑर्गेनाइज्ड वर्ल्ड वाइड एफर्ट फॉर गिविंग फर्स्ट एड कम ओनली द ईयर 1877। बट एक ऑर्गेनाइज्ड रूप में पूरे विश्व में ये कब सामने आया? ये सामने आया 1877 में विद द फॉर्मेशन ऑफ सैंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। तो देखिए, ये एम्बुलेंस एसोसिएशन बनी थी फर्स्ट इंग्लैंड में आफ्टर द ग्रेट अपोस्टल ऑफ सैंट जॉन। तो वहां से एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट आया, फर्स्ट एड का कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज हुआ कि पहली चिकित्सा जो प्रोवाइड कराई जाए सभी जन को, एक कंट्री में, आसपास के लोगों को, तो दैट इज केम फ्रॉम सैंट जॉन एम्बुलेंस एसोसिएशन ऑफ इंग्लैंड। फिर धीरे धीरे ये फैलती गई और आज के वक्त में आप देखेंगे तो हर जगह, हर हॉस्पिटल, हर क्लिनिक के पास एक ना एक एम्बुलेंस जरूर होती है। इन 1920 रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश। अब इंडिया में रेड क्रॉस सोसाइटी इस्टेब्लिश हुई 1920 में विद मोर देन 400 ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया। तो कितना बड़ा एक, देखिए, लेवल पे इसको इंक्रीज, मतलब लॉन्च किया गया, मैं बोलूंगी कि 400 ब्रांचेस के साथ इसको 1920 में ओपन किया गया। ग्रेट सक्सेस हैज बीन अचीव्ड इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस। तो बिल्कुल, देखिए, ऐसी फैसिलिटीज होंगी तो बिल्कुल प्रिवेंशन भी एक अच्छे लेवल पर होगा, हेल्थ इम्प्रूव होगी, तो वैसा ही देखने को मिला। सिंस देन द यूनिवर्सल नीड एंड यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट एड हैज बीन इंक्रीजिंग इन द मॉडर्न मैकेनाइज्ड सिविलाइजेशन। तो अब देखिए, कोई भी चीज़ एक नई हमें देखने को मिलती है तो उसका हम हमेशा से फ़ायदा उठाते हैं, मतलब उसका यूज़ करते हैं, नॉट इन द नेगेटिव सेंस, बट एक अच्छी तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि एक जगह पर जब ये कॉन्सेप्ट डाला गया, फर्स्ट एड आया, एम्बुलेंस को इंट्रोड्यूस किया गया, कि इसकी नीड पूरे यूनिवर्स में है, हर जगह इसकी नीड है, तो बिल्कुल। एंड इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया देन,
क्यों? क्योंकि सभी को इसकी नीड थी, क्योंकि एक जगह पे उसको इम्प्लीमेंट किया, वहां के लोगों को उससे फायदा मिला, उससे हेल्प हुई उनकी, तो इसको बाकी एरियाज में भी और ज्यादा फैलाया गया। और देखिए, ऐसे ही एक दूसरे से आइडियाज ले लेके ये हर जगह आता चला गया, हर देश में, या आप कहीं पे भी कंपेयर करेंगे तो एरिया वाइज भी ये फैलता रहा। अब देखिए, ये है एक साइन फर्स्ट एड का, तो ये बिल्कुल आपको ड्रॉ करना है। प्लस का साइन आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे और नीचे फर्स्ट एड लिखेंगे, एंड यू कैन राइट दिस इज द सिंबल फॉर फर्स्ट एड, जो कि वर्ल्ड वाइड है, ना कि सिर्फ इंडिया में, वर्ल्ड वाइड है ये। डेफिनेशंस है यहाँ पे कुछ फर्स्ट एड की, तो ये भी आपको बिल्कुल मेंशन करनी है। दो इजी डेफिनेशंस यहाँ पे मैंने इंक्लूड की हैं। फर्स्ट इज, फर्स्ट एड इज सिंपल मेडिकल ट्रीटमेंट गिवन टू द अर्लीस्ट पॉसिबल टू अ पर्सन हु इज इंजर्ड और हु सडनली बिकम्स इल, जो एकदम से बीमार हो गया है पर्सन, या जिसका कोई एक्सीडेंट हो गया है, या किसी भी वजह से वो इंजर्ड हो गया है, तो उसको जो पहली चिकित्सा दी जाए, जो पहला मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, वो होता है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड इज इनिशियल असिस्टेंट और ट्रीटमेंट गिवन टू अ कैजुअलिटी फॉर एनी इंजर्ड और सडन इलनेस बिफोर द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस, डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन। मतलब फर्स्ट एड, पहली चिकित्सा क्या है, जो आसपास के लोग दें, जो एक इंजर्ड या सडन इलनेस वाला पर्सन है, मतलब जिसको चोट लग गई है, जो घायल हो गया है वो पर्सन, या जो एकदम से बीमार पड़ गया है वो पर्सन, उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको जो चिकित्सा दे, एक्सपर्ट्स के पहुंचने से पहले, मतलब एम्बुलेंस, डॉक्टर या क्वालिफाइड पर्सन्स के पहुंचने से पहले, तो वो होता है जो ट्रीटमेंट दिया जाता है उन लोगों के पहुंचने से पहले, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड, बहुत सिंपल टर्म्स में। फर्स्ट एड इज नॉट एन एंड बाई इट सेल्फ, इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन नीड ऑफ अ सेकेंडरी एड। तो फर्स्ट एड जो है वो कोई एंड नहीं है, मतलब वाह फर्स्ट एड दे दिया, हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं है। फर्स्ट एड के बाद भी एक पर्सन को केयर चाहिए होती है, एड चाहिए होता है प्रॉपर, जिसको बोलेंगे हम कि उसका इलाज हुआ है, वो उसको चाहिए होता है। वो मतलब टेम्परेरी है, जो फर्स्ट एड आसपास के लोग, जो एक्सपर्ट्स नहीं है, वो देते हैं। तो ये हो गया फर्स्ट एड के बारे में। ज्यादा भर भर के एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन में आपने थोड़ा सा लिखा, साइन बनाया, डेफिनेशंस, अगर आपको ये दो पसंद आती हैं, इजी है, क्योंकि मैंने इसलिए ये यहाँ पे पिक की है, आप यही डाल दें, वरना आपको इंटरनेट पे ऐसी हजारों डेफिनेशंस मिल जाएंगी फर्स्ट एड की, तो आप वहां से पिक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। अब फर्स्ट एड के रूल्स क्या होते हैं, या आप बोल सकते हैं फर्स्ट एडर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, तो दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हैं। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। डू फर्स्ट थिंग फर्स्ट, क्विकली क्वाइटली विदाउट फस और पैनिक, मतलब कोई पैनिक नहीं होना है, घबराना नहीं है, और बिना किसी घबराए हुए शांति के साथ फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना है। देखिए, पैनिक हमेशा, कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है तो लोगों को पीठ थपथपाई जाती है उनकी, कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, आराम से, कुछ हो तो नहीं रहा, आराम से, इस तरीके से लोग उनको ज्यादातर ट्रीट करते हैं। वाई? बिकॉज इंसान डर जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि एक्सीडेंट, इंजरीज, ये रोज रोज तो होती नहीं है, बहुत कम ऐसा किसी के साथ लाइफ में होता है, लाइक डेली बेसिस की चीजें तो ये है नहीं, तो इंसान घबरा जाता है। तो उसकी घबराहट को दूर करने के लिए इट इज इम्पॉर्टेंट कि क्विकली एंड क्वाइटली और किसी पैनिक के बिना उसकी सहायता की जाए। देन री एश्योर द कैजुअलिटी थ्रू एंकरेजिंग वर्ड्स, तो अच्छे वर्ड्स के साथ, लाइक कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, तो ऐसी बात जब की जाती है, मतलब कुछ ऐसे वर्ड्स बोले जाते हैं, तो वो एंकरेजिंग वर्ड्स होते हैं सामने वाले को, मतलब उसकी घबराहट, जिसके साथ, जिसको फर्स्ट एड की जरूरत है, तो उसकी वो घबराहट दूर हो जाती है। देन चेक एबीसी रूल। एबीसी रूल्स देखिए फर्स्ट एड में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में अलग से क्लास रखेंगे और डिस्कस करेंगे। एबीसी रूल इज एयरवे,
ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, ये तीन चीजें आपको चेक करनी है। अब देखिए, जो भी इंसान बीमार या इंजर्ड होता है तो उसके आसपास लोग भीड़ लगा लेते हैं, और अक्सर बोला जाता है कि भीड़ ना लगाएं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में वैसे ही उसको सांस कम आता है, अंदर से जो उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाता है घबराहट की वजह से, या मे बी कोई इंजरी आ गई हो, और आप इर्द गिर्द अगर उसके भीड़ जमा कर लोगे तो उसको हवा आने में प्रॉब्लम होगी, ऑक्सीजन आने में प्रॉब्लम होगी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उसके आसपास भीड़ इकट्ठी ना की जाए, उसको सांस लेने के लिए जगह छोड़ी जाए, एंड लोग दूर खड़े हो, बिल्कुल पास खड़े ना हो। ओपन द एयर वे बाय टिल्टिंग द हेड, इसकी एक टेक्निक होती है हेड को टिल्ट करने की। उसको आप टिल्ट करें ताकि जो उसके एयर वेज है, सांस लेने की रेस्पिरेटरी सिस्टम है, वो थोड़ा सा ओपन हो और अच्छे से वो बंदा सांस ले पाए। देन गिव आर्टिफिशियल रेस्पिरेटरी इफ ब्रीदिंग हैज स्टॉप्ड, अगर ब्रीदिंग स्टॉप हो गई है, जब तक ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तो माउथ टू माउथ आप ब्रीथ दे सकते हैं, बिकॉज इससे भी बहुत लोगों की जान बचती है, एंड इट इज़ अ फैक्ट। सो बहुत लोग इसको मजाक के वे में ले लेते हैं, बट इट इज़ नॉट अ जोक। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट कुछ कंडीशंस में ऐसे करने से ना जाने कितने लोगों की जान बची है, बचती रही है, और आगे भी अगर इसकी पर्टिकुलर नॉलेज सबको होगी तो बिल्कुल बचेगी। देन परफॉर्म चेस्ट कंप्रेशन इफ द पल्स इज नॉट प्रेजेंट, अगर पल्स नहीं है, अगर आप हाथ पे या दिल पे हाथ रख के देखते हैं कि इंसान की पल्स नहीं है, धड़कने नहीं सुनाई दे रही है, तो जोर जोर से उसके चेस्ट को दबाएं झटके से, दैट इज चेस्ट कंप्रेशन। इसकी भी एक टेक्निक होती है, ताकि उसका जो सांस है कई बार इस टेक्निक से वापस आ जाता है, मतलब अटक जाता है सांस और वापस आ जाता है। सो ये सब देखिए बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। तो इसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर्स ने यूट्यूब पे भी वीडियोस डाली हुई है, या आप वेबसाइट पे सर्च वगैरह करेंगे तो बहुत सारे हॉस्पिटल क्लिनिक्स ने भी इसकी एजुकेशन दी हुई है, तो आपको ये चीजें बिल्कुल पता होनी चाहिए। देन स्टॉप ब्लीडिंग इफ एनी बाय डायरेक्ट प्रेशर, लाइक अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई है, अपना हाथ रख लें या कुछ कसकर उस पे बांध दे, कोई दुपट्टा बांध सकते हैं, कोई हैंकरचीफ बांध सकते हैं, या शर्ट भी, कोई भी मतलब क्लॉथ यूज कर लेते हैं, और अक्सर ऐसी सिचुएशन में लोग करते भी हैं। नेक्स्ट इज ट्रीट फॉर शॉक, देन डू नॉट अलाउ पीपल टू क्राउड अराउंड, डोंट रिमूव क्लोथ्स अननेसेसरीली। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं, ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, 6 to 8 सिर्फ आपको लिखने हैं, 6 से कम नहीं लिखने, 8 से ज़्यादा नहीं लिखने, मार्क्स उतने ही मिलेंगे आपको, एंड इसको आप फ्लो चार्ट में भी बिल्कुल बना सकते हैं। सो ये था हमारा टॉपिक फर्स्ट एड का मीनिंग एंड रूल्स ऑफ फर्स्ट एड। अब देखिए, यहाँ पे मुझे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हैं, मैम क्या इतना क्वांटिटी में लिखना बहुत होगा एग्जाम में, जितना आपने इस टॉपिक के बारे में बताया है, या पहले भी जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करती रही हूँ। तो देखिए, क्वांटिटी पे ना जाएं, क्वालिटी पे जाएं। आप जब टू द पॉइंट लिखते हैं, चीज़ों को इलाबोरेट करके लिखते हैं, तो आपको भर भर के लिखने की जरूरत नहीं है। आपने टू द पॉइंट लिखा, जो उसने पूछा एग्जामिनर ने, क्वेश्चन ने जो पूछा है क्वेश्चन में, वो आपने एक्सप्लेन कर दिया, देन आपको जरूरत नहीं है फालतू इधर उधर की कहानियां लिखने की। टू द पॉइंट लिखें, थोड़ा लिखें, इसलिए आपको एक्स्ट्रा शीट भी एग्जाम्स में नहीं दी जाती है। बहुत स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है, सो मेक श्योर आपको पता हो कि एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा शीट्स कभी नहीं मिलेंगी। जो एक बुकलेट आपको मिल जाती है 40 पेजेस की, उसी में ही आपको अपने सारे 5 के 5 आंसर्स अटेंड करने होते हैं। ये था टॉपिक फर्स्ट एड, मीनिंग हमने करा, रूल्स ऑफ फर्स्ट एड करा। इस पर्टिकुलर टॉपिक के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग स्पॉट का लिंक मिल जाएगा, एंड प्लस अगर आपको इस सब्जेक्ट के या किसी अदर सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेल्स एग्जीक्यूटिव को। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में ही आपको नोट्स मिल जाएंगे। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to my YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.